फ्रेंड एडगर लुंगू जाम्बिया से आए अभी हमारे सभी सम्माननीय अतिथि फ्रेंड्स नमस्कार। राष्ट्रपति लुंगू और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे अफ्रीका के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो नई सरकार बनने के बाद भारत यात्रा कर रहे हैं। यह प्रेसिडेंट लुंगू की भारत की पहली यात्रा भी और उसका स्वागत करने का हमें अवसर मिला है। भारत और जाम्बिया के संबंध जाम्बिया की आजादी से भी पुराने हैं। जाम्बिया भारत का महत्वपूर्ण मित्र और विश्वसनीय पार्टनर है। समान लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारा विश्वास है और विकास की साझा आकांक्षाओं को हम दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। हमारी व्यापक साझेदारी ट्रेड और कॉमर्स इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डेवलपमेंट कोऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग और मजबूत सांस्कृतिक और जन संबंधों तक फैली है। फ्रेंड्स आज प्रेसिडेंट लुंगू और मैंने अपने संबंधों के सभी पहलुओं पर उपयोगी चर्चा की है। हम इस बात पर सहमत हैं कि ट्रेड बास्केट में विविधता और निवेश संबंधों को और आगे बढ़ाने से दोनों देशों को लाभ होगा। डेवलपमेंट कोऑपरेशन के अंतर्गत एक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत अपने विकास के अनुभवों को आसान तरीके से साझा करता रहा है। हमें खुशी है कि इससे जाम्बिया के विकास में सहायता पहुंची है। यह संतोष का विषय है कि भारत के सहयोग से स्वास्थ्य पावर जनरेशन तथा लुसाका में ट्रैफिक को आसान बनाने के प्रोजेक्ट्स में अच्छी प्रगति हो रही है। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार जाम्बिया में एक इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित करने में सहयोग करेगी। इसके अतिरिक्त भारत कृषि को बढ़ावा देने के लिए 100 सोलर इरिगेशन पंप उपलब्ध कराएगा। हम जाम्बिया को 1000 टन चावल और 100 टन मिल्क पाउडर भेजेंगे। जाम्बिया खनिज संपदा से भरा हुआ देश है। अन्य खनिजों के अलावा भारत जाम्बिया से बड़ी मात्रा में तांबा लेता है। मिनरल रिसोर्स पर एमओयू माइनिंग के क्षेत्र में हमारे सहयोग को और बढ़ाएगा। खनिज संसाधनों की खोज और उन्हें निकालने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। डिफेंस कोऑपरेशन पर आज एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये रक्षा के क्षेत्र में एक्सचेंजेस को बढ़ाएगा और डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करेगा। जाम्बियन आर्म फोर्सेस की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता के लिए इंडियन मिलिट्री व एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम जाम्बिया में तैनात की जाएगी। भारत जाम्बिया एयरफोर्स बेस पर 5 फायर टेंडर्स की भी तैनात करेगा। मुझे खुशी है कि जाम्बिया ने हमारे टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती को ज्वाइन किया है। दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच एमओयू से लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। लोकतंत्र के नाते यह हमारा कमिटमेंट है। हमारे सहयोग से अफ्रीका के सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनावी प्रबंधन और प्रशासन को बल मिलेगा। हम चाहते हैं कि हेल्थ केयर टूरिज्म एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग माइनिंग और एनर्जी में
मौजूद अवसरों का उपयोग करने के लिए दोनों देशों में उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहित किया जाए। इंडिया जाम्बिया बिजनेस फोरम की आज दोपहर में होने वाली बैठक इन क्षेत्रों में एंगेजमेंट बढ़ाने में सहायता करेगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जाम्बिया का स्वागत है। आर्थिक प्रगति और पर्यावरण के लिए सोलार एनर्जी का बहुत महत्व है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जाम्बिया में भारतीय मूल का बड़ा समुदाय हमारे बीच एक मजबूत कड़ी है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग इन संबंधों में नए आयाम जोड़ते हैं। जाम्बिया के डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग में शामिल होकर हमें प्रसन्नता हो रही है। एक्सलेंसी, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नई दिल्ली में आपकी उपस्थिति ने हमारा गौरव बढ़ाया है। मैं फिर एक बार आपके डेलीगेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। इट इज नाउ माय प्लेजर टू इनवाइट हिज एक्सलेंसी मिस्टर एडगर चागवा लुंगू, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया, टू डिलीवर हिज स्टेटमेंट टू द मीडिया। Your Excellency Prime Minister Modi, members of the press.